मुझे बिजनेस के बारे में सब आता है और मुझे शो बिजनेस के बारे में. I'm all about 9 to 5. I'm all about after hours. I work hard. I play hard. Okay. अगर आपको ये लगता है कि इस पूरी दुनिया में आपका चेहरा 7.5 अरब लोगों से बिल्कुल अलग है तो आप बिल्कुल गलत हो. अगर मैं आपसे कहूँ कि एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 लोग इस जमीन पर ऐसे मौजूद हैं जो लगभग 95% तक आपकी तरह ही दिखते हैं, और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो पूरी संभावना है कि आज आपको उनमें से कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फेंक रहा है ये यार, कुछ भी मतलब ऐसा तो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में ही होता है. पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कहती है. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के न्यूरोबायोलॉजी एंड बिहेवियर के असिस्टेंट प्रोफेसर माइकल शीन का कहना है कि 100 करोड़ में एक बार ऐसा होता है कि जब डीएनए अपनी सारी स्ट्रक्चर्स को दोहराता है. अगर हम आपको सिंपली समझाएं तो आप एक पैक ऑफ कार्ड्स यानी कि ताश की एक गड्डी ले लीजिए और उसे 100 करोड़ बार शफल कीजिए, तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी पैदा होती है जिसमें वो ताश की गड्डी उसी पोजीशन में आ जाएगी जैसे वो आपके शफल करने से पहले थी. आए दिन सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस के जैसे दिखने वाले लोग सामने आते रहते हैं. अगर मैं आपसे कहूँ कि जरा सोच कर देखिए कि आप एक आम जिंदगी जी रहे हो लेकिन दुनिया के किसी और कोने में बिल्कुल आपके जैसा ही दिखने वाला कोई शख्स वहाँ का बहुत बड़ा मूवी स्टार है जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना था, तो आप क्या करना चाहोगे? मुझे पता है आप क्या सोचोगे कि यार इसकी जगह कैसे भी करके मुझे मिल जाए, बस फिर तो यार मजा ही आ जाएगा. खैर ये तो थी मजाक की बात, लेकिन इस दुनिया में लोगों का एक जैसा दिखना कई बार बहुत ही खतरनाक भी साबित हुआ है. जानकारी के अनुसार इराक का तानाशाह सद्दाम कई बार टीवी अपीयरेंस के लिए अपने हम शक्ल्स का इस्तेमाल करता था. इन बॉडी डबल्स में से एक मिस्र के मोहम्मद बशीर का कहना है कि जब सद्दाम फरार था तो कई लोग मुझे पकड़ कर सद्दाम के ऊपर रखे गए 5 करोड़ का इनाम वसूल कर लेना चाहते थे. एक जैसे दिखने वाले लोगों की बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें से एक है मौसुद ओजिल और एंजो फरारी की. एंजो फरारी इटली के मशहूर स्पोर्ट्स कार फरारी के फाउंडर थे. इनकी डेट 1988 में हुई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसी साल जन्म हुआ मैसूद ओजिल का. मैसूद ओजिल जो जर्मनी की नेशनल फुटबॉल टीम का हिस्सा है, लोग मैसूद ओजिल को एंजो फरारी का पुनर्जन्म भी कहते हैं. तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या आप अपने जैसे दिखने वाले लोगों को ढूंढ सकते हो. 2 साल पहले 3 दोस्त नीमा, हैरी और टेरेंस ने मिलकर एक मुहिम स्टार्ट की. उन्होंने अपने जैसे दिखने वाले लोगों को पूरी दुनिया में ढूंढ निकालने का फैसला किया. नीमा अब तक अपने जैसे दिखने वाले 3 लड़कियों को ढूंढ चुकी है. अगर आपको भी अपने जैसे दिखने वाले लोगों को ढूंढना है तो ये बिल्कुल आसान है. आपको इनकी वेबसाइट www.twinsstrangers.com पे जाके लॉगिन करना होगा और कुछ डिटेल्स फिल करनी है, सीधे फेस की फोटो अपलोड करनी है और बूम आपको आपका हमशक्ल मिल जाएगा. इस वेबसाइट पर अब तक सिर्फ 4 लाख लोगों का ही डेटा मौजूद है, लेकिन हर रोज इनके बढ़ते डेटा बेस से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द ही आप अपने जैसे लोगों से मिल पाओगे, उनसे बातें कर पाओगे. अगर आप चाहें तो YouTube के Twins Strangers चैनल को भी विजिट कर सकते हैं. इस चैनल पर जिन लोगों ने अपने जैसे लोगों को ढूंढ निकाला है उनकी वीडियोस हैं. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ये हमारी मेहनत है यार. और चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो आपको उसी वक्त मिल जाए जब मैं इसे अपलोड करता हूँ.